अगर आपने इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस से आप खुश नहीं हैं, तो आप मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपने एजेंट को बदलने का विकल्प मिलेगा। ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प देने जा रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव इस खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, बताएं कि किस तरह की ये सुविधा होगी, और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा बदलाव इसे कहा जाएगा। देखिए, हाल के दिनों में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI कई सारे बदलाव कर रहा है ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए। उसी कड़ी में एक और बदलाव होते हुए दिखेगा आने वाले दिनों में कि जो आपका इंश्योरेंस एजेंट है जहां पर जिससे आप पॉलिसी लेते हैं, तो उसकी सर्विस जो है आपको बेहतर नहीं लगती है तो आप उसे पोर्ट कर सकते हैं, यानी इंश्योरेंस एजेंट को बदल सकते हैं। ये मुख्य तौर पर जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो 10 साल 12 साल 20 साल की अवधि तक की पॉलिसी होती है। तो शुरुआत में तो होता यह है कि इंश्योरेंस एजेंट है आपको काफी बेहतर सर्विस देता है, जब उसे पॉलिसी एक्वायर करनी होती है, कस्टमर एक्वायर करना होता है, जब आपको फर्स्ट प्रीमियम देना होता है, तब इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा बेहतरीन सर्विस दी जाती है। लेकिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की ग्राहकों की शिकायत रहती है कि उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है या फिर उनको सर्विस नहीं दी जाती है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा, क्योंकि पॉलिसी तो एक बार ले ली गई और उसके बाद सालों तक अगले 12 15 20 साल तक जो कमीशन है वो इंश्योरेंस एजेंट के पास जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए, बेहतर सर्विस देने के लिए, अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको लगता है कि जो एजेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस एजेंट को बदल सकते हैं। जो आगामी इंश्योरेंस एक्सचेंज जो है वो IRDAI लॉन्च करने वाला है, तो उसके जरिए जो है एजेंट को बदला जा सकेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि एजेंट का भी जो फोकस होगा वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को, अपने ग्राहक को बेहतर सर्विस देने में होगा। अगर ग्राहक को बेहतर सर्विस नहीं मिलती है तो ग्राहक के पास एक विकल्प होगा कि बाद में वो एजेंट को बदल सकता है। तो जैसे ही एजेंट बदला जाएगा, यानी जो मौजूदा एजेंट से दूसरे एजेंट पे शिफ्ट होंगे, तो आगे जो प्रीमियम भरा जाएगा उसका जो कमीशन है वो नए एजेंट को जाएगा। तो इससे ग्राहक को मौजूदा एजेंट के द्वारा एक बेहतर सर्विस देनी पड़ेगी। और कई मौकों पर यह भी देखने को मिला है कि जिस एजेंट से आपने पॉलिसी ली है उसकी किसी कारणवश वो डेथ हो गई है और उसके परिवार वाले इंश्योरेंस के कारोबार में वगैरह नहीं है, तो भी पॉलिसी होल्डर को सर्विस नहीं मिल पाती। तो ये इन स्थिति के अंदर भी जो पॉलिसी होल्डर है, जो ग्राहक है, उसके पास विकल्प रहेगा कि वो अपने एजेंट को बदल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए।